गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आपने हिंदी में आम की कहानी की चित्रकथा पढ़ी थी, है ना? तो आज हम उसी चित्रकथा पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे अभ्यास पुस्तिका रिमझिम एक में, ठीक है? तो आप अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 12 खोलेंगे। पेज नंबर 12, उस पर आम की कहानी लेसन नंबर 2 लिखा है और हम आज अभ्यास एक करेंगे। इसके अंदर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको हम पढ़ेंगे और उसके उत्तर लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, लड़की ने क्या देखा? लड़की ने क्या देखा था चित्रकथा में, आपको याद है ना? लड़की ने आम देखा। लड़की ने आम देखा, तो हमने ये लड़की ने तो प्रश्न में से ही ले लिया और देखा भी प्रश्न में से ले लिया और आम बीच में जोड़ दिया। तो हमने देख प्रश्न में से उत्तर लिया, लड़की ने डैश देखा, लड़की ने आम देखा। डैश की जगह आम भरना है एक तरीके से, तो प्रश्न में से ही आधा उत्तर मिल जाता है। लड़की ने क्या देखा? लड़की ने आम देखा। लड़की ने आम देखा, है ना? आधा उत्तर तो हमें प्रश्न में से ही मिल गया। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, आम सबसे पहले कहाँ गिरा? बताइए, सोचकर बताइए, आम सबसे पहले कहाँ गिरा था? आम सबसे पहले कौवे के घोंसले पर गिरा। कौवा आम लेकर चला गया था ना, उड़ गया था, तो उसकी चोंच से आम गिरा और कहाँ गिरा था? आम कहाँ गिरा था? कौवे के घोंसले पर गिरा था। गिलहरी से आम कहाँ गिरा? अब जब गिलहरी को आम मिल गया था तो गिलहरी से आम कहाँ गिरा था, सोचिए, याद आया? गिलहरी से आम दादाजी की पगड़ी पर गिरा था। गिलहरी से आम, देखिए प्रश्न में ही उत्तर लिखा है, गिलहरी से आम, इतना तो प्रश्न में ही लिखा है, दादाजी की पगड़ी पर गिरा, ये भी गिरा भी लिखा हुआ है प्रश्न में। गिलहरी से आम दादाजी की पगड़ी पर गिरा। लड़की ने आम कहाँ से उठाया? लड़की ने आम, लास्ट में लड़की को आम मिल गया था, लड़की ने वो आम कहाँ से उठाया था? लड़की ने आम दादाजी की पगड़ी से उठाया। लड़की ने आम, देखिए ये भी प्रश्न में लिखा है, लड़की ने आम दादाजी की पगड़ी, ये लिखना है दादाजी की पगड़ी, और से उठाया भी प्रश्न में लिखा हुआ है, तो आपको याद करना है, लड़की ने आम दादाजी की पगड़ी से उठाया, ठीक है? लड़के के पास क्या था? लड़के के पास मतलब कि लड़के ने किससे आम तोड़ा था, किस चीज से आम तोड़ा था? लड़के के पास क्या था जिससे उसने आम तोड़ा था? लड़के के पास गुलेल थी। गुलेल जानते हैं, एक लकड़ी की बनाई जाती है और उसमें एक रबर बैंड लगाया जाता है और एक पत्थर उसमें रख के ताना जाता है उससे, और एक निशाना लगाया जाता है, वो एक तरह का किसी भी चीज़ को हिट करने के लिए, मारने के लिए, तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको गुलेल कहते हैं, है ना? तो अभी हम आपको बताएंगे, आपने देखा होगा अपनी रिमझिम पाठ पुस्तक में, लड़के के हाथ में गुलेल देखी थी ना, वो लकड़ी की बनी होती है और उसमें एक रबर बैंड जैसा इलास्टिक टाइप का लगा होता है। तो लड़के के पास क्या था? लड़के के पास गुलेल थी, उसको गुलेल बोला जाता है, गुलेल, गुलेल थी। लड़के के पास तो प्रश्न में लिखा है, गुलेल आपको लिखना है और था की जगह थी, गुलेल थी। तो ये प्रश्न हो गए आपके 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न, ठीक है? ये 5 प्रश्न करेंगे, उसके बाद देखते हैं नीचे अभ्यास 2 में क्या है, सही का निशान लगाओ। अब इसमें है 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आखिर में आम किसे मिला? सबसे आखिरी में आम किसे मिला था? लड़की को मिला था ना, तो लड़की को टिक सही, लड़के को रॉन्ग, कौवे को रॉन्ग। सो लड़की को में ही हमें टिक लगाना है, लड़के को और कौवे को में रॉन्ग लगाना है। अब वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13। इसमें
कहानी में सब क्या पाना चाहते थे? कहानी में सब क्या पाना चाहते थे? शहद पाना चाहते थे? रॉन्ग। आम पाना चाहते थे? राइट। गुलेल पाना चाहते थे? रॉन्ग। अंडे पाना चाहते थे? रॉन्ग। तो सिर्फ हम आम में राइट लगाएंगे, बाकी शहद, गुलेल और अंडे में रॉन्ग लगाएंगे। अब देखते हैं अभ्यास तीन। कौन कहाँ था मिलान करो। अब हमको ये मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ लिखा है कौवा और दूसरी तरफ लिखा है पेड़ पर। कौवा पेड़ पर था? नहीं। कौवे के हाथ लड़के के हाथ में था? नो। पेड़ के ऊपर था? नहीं। पेड़ की डाल पर बैठा था? हाँ। आप रिम झिम पाठ पुस्तक खोल के देखिएगा, पेड़ की डाल पर कौवा बैठा हुआ था। तो हम उसको पेड़ की डाल से मिला देंगे। मधुमक्खी का छत्ता कहाँ था? पेड़ के ऊपर था। अंडे कहाँ थे? घोंसले में थे। आम कहाँ था? पेड़ पर था। और गुलेल कहाँ थी? लड़के के हाथ में थी, ठीक है। तो कौवा कहाँ था? पेड़ की डाल पर। मधुमक्खी का छत्ता पेड़ के ऊपर। अंडे घोंसले में। आम पेड़ पर। और गुलेल लड़के के हाथ में। ये आपको स्केल से मैचिंग करनी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल। आम के बारे में तीन वाक्य लिखो। अब ये आप अपनी पसंद से भी लिख सकते हैं, मैम ने जो लिखा है वो भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आम के बारे में लिखना वो भी आप लिख सकते हैं। हाउ मेनी सेंटेंसेस? ओनली थ्री सेंटेंसेस, तीन वाक्य, ओके। दो तीन वाक्य कहा है तो तीन लाइनें हैं, तो मैम ने तीन वाक्य लिख दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट है, आम गर्मी के मौसम का फल है। आम गर्मी के मौसम का फल है। यह एक रसीला फल है। बहुत जूसी होता है ना, इसमें बहुत जूस होता है, बहुत रस होता है। यह एक रसीला फल है। मुझे आम पसंद है। मुझे आम बहुत पसंद है भी लिख सकते हैं, मुझे आम पसंद है भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो ये तीन वाक्य लिखिए, आप चाहे तो अपनी तरफ से जो आपको अच्छा लगे वो तीन वाक्य लिखिए, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक, मात्रा की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आपको पेज नंबर 12 और 13 करने हैं बेटा, ठीक है। यू हैव टू डू पेज नंबर 12 एंड 13। आई विल सेंड यू PDF ऑफ दीज टू pages, okay children, do it very neatly, okay, and you will write under the dotted line, उसके ऊपर नहीं लिखना है, dotted line के नीचे लिखना है, ठीक है, okay, so we will meet in the next Hindi class, till then, bye bye children, see you.